वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीवा और आज आप लोग के लिए लाइन कुछ वायरल मेकअप हैक्स। गाइस ये जो हैक्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि अभी हम इनको ट्राई करके देखते हैं कि हैक काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो मेरी वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने पहले हैक की तरफ। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं हमारा पहला हैक। टेप की जो कि मैंने ले लिया है, कलरफुल टेप लिया है जिससे कि यहाँ पर देख सके। मैंने ट्रांसपेरेंट इसलिए नहीं लिया, अगर ट्रांसपेरेंट लेते तो वो शायद दिखता नहीं, तो इसलिए मैंने ये टेप ले लिया है। मैं इसको लगा लूँगी खोलकर। तो गाइस इस टेप को मैंने कट कर लिया है, मैं इसको लगाऊंगी। कुछ इस तरह से उन्होंने लगाया था ये जो बोन है उनकी, इस बोन के ऊपर, तो मैंने इसको ऐसे करके लगा लिया है। तो अब मैंने यहाँ पर एक लिपस्टिक ली है, उन्होंने एक लिपस्टिक ली है जिससे उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल किया है। तो यहाँ पर मैं लिपस्टिक लगाती हूँ हाफ। अब ये मुझे छुटा देना है। तो अब हमें इसको भी एक ब्रश की हेल्प से ऐसे करके करना है, ब्लेंड करना है। तो मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिया है मेरे फेस पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बोन है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये कंटूर लग रही है। तो आप लोग इसका रिजल्ट खुद ही देख सकते हैं, मुझे अच्छा लगा ये हैक। पहले मैं इसको शीशे में देख लेती हूँ कि कैसे लग रहा है। तो गाइस ये हैक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग है ये हैक और काम भी करता है। तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो बिल्कुल भी बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको कभी अगर बाहर जाना है, जल्दी जल्दी भी मेकअप करना है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कुछ भी बेकार नहीं लगेगा आपके ऊपर। तो ये है काम करता है इसके लिए। इसके बाद हम दूसरे हैक पर जाते हैं, तो देखते हैं वो हैक कैसा है। तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा हैक है उसके लिए हमें ले लेना है ये कुछ भी, मतलब एक ट्यूब ले लेना है जिसमें ऐसे करके किनारी बनी हुई हो। तो मैंने यहाँ पर लैक्मे का सीसी क्रीम ले लिया है जिसमें अच्छे से किनारी बनी हुई है, तो ये शायद अच्छे से काम कर जाए। और मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का मस्कारा ले लिया है जिसको मैं अप्लाई करूँगी। अब इसको ऐसे करके लगा लिया है, मैं इसको अप्लाई करूँगी। बहुत ही फ्री होकर ट्राई करें। अगर आपको कभी जल्दी शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है किसी जल्दी से, तो आप इसको ट्राई ना करें क्योंकि ये हमारा मेकअप, हमारा ऑलरेडी किया हुआ जो मेकअप होगा उसको ख़राब कर सकता है। एक रिस्क है इसको ख़राब करने का। बट अगर आप मतलब बहुत आराम से मेकअप कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो आप इस हैक को ट्राई कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। बट अगर जल्दी में कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको ट्राई मत करना क्योंकि ये लगाने में काफ़ी टाइम लग रहा है और हमें बैलेंस बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है कि ये इसके जो ट्यूब पर जो मस्कारा लगा है वो हमारी आईज के लिड्स पर ना लग जाए या नीचे ऊपर कहीं ना लग जाए। तो इसके लिए ये हैक पास है, बट ये उतना काम नहीं करेगा जितना एक इमरजेंसी में काम करना चाहिए। हैक का मतलब होता है इमरजेंसी में कोई हैक हमारे काम आ रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, बट ये इमरजेंसी में काम का नहीं है। तो ये हैक मेरी तरफ से पास होता है, बट थोड़ा थोड़ा आप लोग ये बताइएगा ये काम आएगा या नहीं आएगा। तो काम आएगा बट फ्री होकर काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हैक की तरफ। तो इस नेक्स्ट हैक के लिए हमें ले लेना है किसी भी बॉटल का कैप, क्योंकि मैंने ये छोटी बोतल का कैप लिया। उसको हमें अपनी आई लिड्स पर ऐसे करके रखना है और फिर हमें यहाँ पर आई शेडो अप्लाई करना है, फिर ये जो लाइन होगी ये बहुत अच्छे से बनकर आएगी। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये आई शेडो पैलेट ले ली, इसमें से कोई भी कलर निकालूंगी न्यूट कलर का। तो ये रहा मेरा कैप, उसको मैं रखती हूँ और देख ही सकते हो कि मैंने यहाँ पर ये जो बॉटल की एक छोटी से कैप से मैंने यहाँ पर ये आई शेडो लगाया है जो कि बहुत अच्छी लाइन बनी है। अगर मैं इसके अंदर कुछ अपने ग्लिटर वगैरह ऐड करती हूँ तो वो बहुत अच्छे से लगेगा। अगर मैंने इसको लगा के किया तो वो नीचे नहीं जाएगा और ये थोड़ा ऊपर नहीं जाएगा, बहुत अच्छे से सेट हुआ है। तो ये हैक मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, इमरजेंसी में भी यूज़ कर सकती हूँ और फ्री में भी यूज़ कर सकती हूँ, जब भी चाहूँ मैं तब यूज़ कर सकती हूँ। तो गाइस ये हैक 100% पास होता है मेरी तरफ से।
गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हैक की तरफ, तो जिसमें उन्होंने ले लिया है एक काजल लिया है। उसके बाद उन्होंने उसको आंखों पर लगा लिया है, आईज हाथ से ऐसे स्प्रेड कर लिया है और फिर से ब्रश से सेट कर दिया है, तो उनकी आईज बहुत सुंदर लग रही है, सुंदर लग रही है, समझ रहे हो। तो मैंने ये काजल ले लिया है, देख सकते हैं आप लोग, तो मैं इसको लगाती हूं। तो ये मैंने दोनों साइड पर इक्वल इक्वल काजल लगा लिया है। अब मैं इसको उंगली से अपने स्प्रेड करूंगी। खत्म। तो गाइस ये वाला तो पोपट हो गया, इसे संभलने का भी नहीं है। तो अब मैं इस साइड में ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कुछ ना कुछ इसमें जरूर होगा, काजल के साथ कभी रिस्क लेने का नहीं। तो मैंने इसलिए मैंने दोनों साइड पर लगा दिया था। तो अब मैं इस साइड वाला ट्राई करती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस ये इतना सुंदर काजल लग रहा है, मैं इसको लगा के बाहर भी घूम सकती हूँ। वाह, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कैसे बहुत सुंदर लग रहा है, इसको मैं क्या ही स्प्रेड करूँ, बट मैं इसको करूंगी। आप लोग खुद ही देख सकते हो इस हैक ने मेरी आंखों का क्या किया। चलो एक है कि तो खराब गया, बाकी तो अच्छे चले गए, एक खराब गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले से ही सतर्क कर दिया है। अब आप इसको ट्राई मत करना, भूल कर भी ट्राई मत करना, खासकर काजल के साथ तो आप कभी जिंदगी में रिस्क लेना ही मत। तो गाइस ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।